गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द न्यू सेशन न्यू क्लास क्लास फोर तो हमने मैथ्स में अगेन आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट सेशन एंड इस सेशन में भी आई विल कॉन्टिन्यू विद यू तो अगेन द सेम फेस फॉर मैथ्स तो अभी हम आज की क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हमने जो थर्ड क्लास में देखे थे दोज व थ्री डिजिट्स एंड थ्री डिजिट एंड फोर डिजिट नंबर्स है ना थ्री डिजिट नंबर क्या होते थे हमारे वंस टेंस एंड हंड्रेड एंड फोर डिजिट नंबर क्या होते थे वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड तो अब हम इसके बाद की कुछ डिजिट्स जो होती हैं दैट मीन्स फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर्स इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे बट इन सब के बारे में पढ़ने से पहले अभी हम सिर्फ थ्री डिजिट एंड फोर डिजिट नंबर्स को ही रिकॉल करेंगे हम ये देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ें करी इन थ्री डिजिट फ़ोर डिजिट नंबर्स में ये होते क्या हैं है ना सपोज करो मैं आपसे कुछ चीज़ों के कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ जैसे कि फ़ाइव हंड्रेड में क्या क्या आ सकता है हमारी ड्रेस आ सकती है है ना 500 में हमारी बुक्स आ सकती हैं हमारी कॉपीज़ आ सकती हैं सिक्स फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड इन सब रुपीस में बुक्स कॉपीज ड्रेसेस हम ले सकते हैं है ना छोटी मोटी ड्रेसेस सिमिलरली हम आ, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि हम थाउजेंड रुपीस में क्या क्या ले सकते हैं थाउजेंड रुपीस फोर डिजिट क्या क्या चीज़ें ली जा सकती हैं थाउजेंड रुपीस में टू थाउजेंड रुपीज़ में हम अपने थोड़े से ब्रांड के अच्छे से शूज़ ले सकते हैं और ब्रांड और अच्छे ब्रांड के हम कपड़े ले सकते हैं थाउजेंड टू थाउजेंड रुपीज़ में uh, तो इस तरीके से हमारा अलग अलग डिजिट्स के जो रुपीस होते हैं सिमिलरली नंबर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकते हैं है ना तो अब हम क्या करेंगे इवन हमारे स्कूल में भी थाउजेंड्स में ही स्टूडेंट्स होते हैं है ना आज की क्लास में हम यही हंड्रेड एंड थाउजेंड वाले नंबर्स को रिकॉल करेंगे हम इनको कंपेयर कैसे करते हैं प्लेस वैल्यूज कैसे होती हैं इनकी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास से वी विल तो स्टार्ट विद आर न्यू सिलेबस फॉर क्लास फोर तो लेट्स विद राइटिंग सपोज हम एक फाइव डिजिट फोर डिजिट नंबर लिखते हैं आई एम राइटिंग हेयर वन कॉमा टू फाइव सेवन ठीक है ये फोर डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें फोर डिजिट है जो होगा, अब यहां पे हम जो प्लेसेस देखते हैं राइट साइड से स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस देन हमारा आता है टेंस देन उसके बाद आता है हंड्रेड प्लेस एंड देन आता है हमारा थाउजेंड्स प्लेस है ना तो इसका मतलब हाउ वी विल रीड दिस नंबर वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन ये नंबर होता है ना 1257 इस तरीके से हम इस नंबर को रीड करते हैं है ना आप सपोज करो मैं कोई एक दूसरा नंबर पर लिखती हूँ हाउ रीड दिस नंबर थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी नाइन अब जब हमें इनको ऐड करना है तो ऐड कैसे किया जाता है राइट right साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं राइट मोस्ट डिजिट वंस प्लेस जो होता है करेंगे 7 9, 16 होता है वो सिक्स होगा वन कैरी हो जाएगा हायर प्लेस पे जो वन से थोड़ा हायर प्लेस होता है दैट है ना उसके लेफ्ट साइड पे जो होता है जस्ट फाइव प्लस वन सिक्स प्लस फोर टेन अगेन जीरो और हायर प्लेस पे कैरी हो गया अभी वन प्लस टू इज थ्री थ्री प्लस वन इज फोर एंड लास्ट में हो जाएगा वन प्लस थ्री अगेना फोर तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं सब भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे हम हमेशा ठीक है अगर माइनस करना होता तो हम तब भी राइट साइड से ही स्टार्ट करते ऊपर वाले डिजिट में से माइनस कर देते हैं नेक्स्ट डिजिट को ठीक है अब उस केस में हम क्या करते हैं अगर नहीं माइनस कर पाते हैं जैसे हमारे पास अगर सेवन टॉफीज है तो मैं नाइन को माइनस नहीं कर सकती हूँ तो क्या करेंगे बोरो लेते हैं हायर प्लेस से है ना ये सारी चीज़ें हमने देखी थी उसके अलावा हमने ये भी देखा था सपोज करो अगेन मेरे पास एक नंबर है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी एट ये नंबर है हमारे पास इसका मुझे प्री डिसेसर फाइंड आउट करना है प्री डिसेसर मीन द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर दिस इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आया होगा अगर हम काउंटिंग्स लिखते हैं तो वो नंबर कौन सा होगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन है ना काउंटिंग जो होती है थर्टी एट से पहले कौन सा नंबर आता है थर्टी सेवन आता है तो ये प्री डिसेसर हो गया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन इसका मतलब हम यहाँ पे ये राइट मोस्ट डिजिट देखते हैं ठीक है सिमिलरली सक्सेसर अगर हमें देखना है तो सक्सेसर का मतलब है कि 2538 के बाद कौन सा नंबर आएगा तो ये जो राइट right मोस्ट है प्लेस है उसको वन इंक्रीज कर देंगे तो 2539 बन जाएगा ये हमारा सक्सेसर हो गया है।, है ना अगर मुझे इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है टू नंबर्स को कंपेयर करना है सपोज मेरे पास एक नंबर है वन थ्री फाइव नाइन ठीक है और एक दूसरा नंबर है यहाँ पे हम बॉक्स लिख देते हैं हमें ग्रेटर देन या लेस देन लगाना है इसके बॉक्स के अंदर लिखेंगे और हमारे पास दूसरा नंबर है वन कॉमा फोर वन सेवन ये दो नंबर्स हैं इन दोनों को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन ऑलवेज लेफ्ट साइड से ठीक है ये वन है ये ये भी है, ये तो सेम है 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 तो ना और आगे जाते हैं ये थ्री है ये फोर है कौन सा नंबर बड़ा है ये नंबर बड़ा है इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी बड़ा होगा तो हमारे पास ये साइन लग जाएगा विच मीन्स कि हमने जो बाद में नंबर लिखा है दैट इज ग्रेटर देन ये जो फर्स्ट नंबर हमने लिखा था उससे है ना इसके अलावा हमने डिजिट से स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर भी बनाए थे है ना जैसे हमें टू कॉमा फाइव कॉमा वन कॉमा सेवन दे दिया मुझे इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले लिख देंगे वन टू उसके बाद आता है फाइव उसके बाद आता है सेवन और सिमिलरली अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो मैं लार्जेस्ट डिजिट को पहले लिख दूंगी सेवन को पहले लिखूंगी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाती जाऊंगी उससे थोड़ा छोटा डिजिट फिर और छोटी डिजिट फिर और छोटी डिजिट तो ये हमारे लार्जेस्ट ये लार्जेस्ट नंबर बन गया है ना जहां पे हमने लार्जेस्ट लार्जेस्ट डिजिट को पहले लिखा था और ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया जहां पे हम स्मॉलेस्ट डिजिट को सबसे पहले लिखते हैं तो इस तरीके से हमने और भी बहुत सारी चीजें करी थी एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे होता है आप सपोज करो मेरे पास ये नंबर तो बन गया वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन ये नंबर बन गया हमारे पास ठीक है इसका मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है वो कैसे लिखेंगे सबसे पहले क्या है वन थाउजेंड तो मैं लिख दूंगी वन थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड ये वाले डिजिट है ना नेक्स्ट तो टू हंड्रेड लिख देंगे टू डबल जीरो प्लस नेक्स्ट आता है फिफ्टी सेवन फिफ्टी मीन्स फाइव जीरो वन जीरो एंड देन सेवन तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है कौन किस प्लेस पे आता है सेवन जो है वो हमारा वन प्लेस पे है तो इसके साथ कोई जीरो नहीं आएगा फाइव हमारा टेंस प्लेस पे होता है तो फाइव के साथ वन जीरो आएगा यहाँ नीचे टू हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे होता है तो टू के साथ टू जीरोज आ गए एंड वन हमारा थाउजेंड्स प्लेस पे है तो इसीलिए वन के साथ थ्री जीरोज आ गए ये हमारी एक्सपेंड एक्सपेंडेड फॉर्म